हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति सुहाग वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग गार्डन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ क्लास 7 ज्योग्राफी। अगर आपको चैप्टर डिटेल से पढ़ना है तो मैंने वीडियोस टॉपिक वाइज बिल्कुल क्लियरली बनाई हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, उससे आपको क्वेश्चन आंसर्स खुद ही लर्न हो जाएंगे। और आप ये वीडियो देखेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा से कौन सी रॉक बनी है? थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स में हमने देखा है एक रॉक मैग्मा से बनी है, उसको कौन सी है? इग्नियस रॉक। पार्ट टू, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की कितनी लेयर्स हैं? थ्री, उसमें सबसे अंदर कौन सी है? कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम और कॉल किसके एग्जाम्पल हैं? क्या है ये? रॉक्स हैं। रॉक्स हैं? नहीं, रॉक्स थोड़ी ना है। मिनरल्स हैं? यस। फॉसिल्स हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मिनरल्स। नेक्स्ट, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, फॉसिल्स कौन सी में होते हैं? हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कभी कभी फॉसिल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर से जो सेडिमेंट हैं वो डिपॉजिट होंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ फॉसिल्स भी उसके बीच में आ जाएं। थीनेस्ट लेयर, सबसे थीनेस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट। क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की डेप्थ फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आती है। आपको उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्रस्ट कितनी डीप है, मेंटल कितनी है, कोर कितनी है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, कोर, कोर क्या थी? इनर मोस्ट लेयर थी अर्थ की। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स के पास डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। रॉक्स क्या है? रॉक्स यूज किए जाते हैं रॉड और बिल्डिंग बनाने के लिए। क्ले, क्ले क्या? क्ले होती है, चेंज हो जाती है स्लेट के अंदर। क्ले किस में चेंज हो जाती है? स्लेट के अंदर। और सियाल, सियाल जो वर्ड है वो समझ में आ रहा है, सियाल किससे बना हुआ है? सिलिकॉन और एल्यूमिना से। आपने इस चैप्टर में हमने सियाल, सीमा, NEFI इनको डिस्कस किया है। आपको कमेंट बॉक्स में एक सेकेंड क्वेश्चन में ये बताना है सियाल की कौन सी लेयर को सियाल बोला गया है, किसको सीमा बोला गया है, कौन सी को NEFI बोला गया है। NEFI सॉरी निकल और जो आयरन से बन के बनी है वो कौन सी लेयर है अर्थ की। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ, कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। व्हाट इज रॉक, रॉक क्या है? रॉक की डेफिनेशन हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। रॉक है एक नेचुरल मास मिनरल मैटर का जिससे मिलके बना है हमारा अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट किससे बनी है? रॉक से बनी है। रॉक क्या है? जो मिनरल मैटर है ना उसका एक नेचुरल मास जिससे मिलके बना है अर्थ क्रस्ट, वो है रॉक। आई होप डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मिनरल्स मैटर से, बहुत सारे मिनरल्स मैटर को जब इकट्ठा कर देंगे तो उससे अर्थ क्रस्ट बनी है और वही रॉक है। नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, कौन कौन सी हैं? रॉक्स हैं इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स बनती हैं। कहाँ पड़ा है ये? इग्नियस रॉक्स के अंदर टाइप्स में पड़ा है। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उन्हें अंदर और डिवाइड किया गया है, फर्दर डिवीजन है किसके अंदर? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के अंदर। उसमें क्या है? एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव कब बनती है? जब मोल्टन मैग्मा, यानी ये हमारा जो मोल्टन मैग्मा होता है, ये मोल्टन मैग्मा नीचे है मेंटल लेयर में है, ये बाहर आता है तो बाहर आके क्या बन जाता है? क्या सॉलिड होगा, जब बाहर आएगा उसे लावा बोला जाता है। तो क्या बोले हैं? व्हेन दिस मोल्टन लावा, इसीलिए लावा वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे लावा बोलते हैं। कम्स ऑन अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो ये क्या होता है? एकदम से कूल डाउन, धीरे धीरे रैपिडली कूल डाउन होगा और फिर क्या होगा? सॉलिड बन जाएगा। एकदम से रैपिडली कूल्स डाउन होगा क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर था वो क्या था? बहुत ज़्यादा था। बाहर के टेम्परेचर के साथ जब वो बाहर आएगा तो वो कूल डाउन हो जाएगा और क्या होगा? सॉलिड बनेगा। उससे रॉक बनेगी जिसे क्या बोला गया है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इंट्रूसिव, इंट्रूसिव यानी अंदर, अब कुछ ना कुछ अंदर होगा, नाम बता रहा है इंट्रूसिव में। अब इसमें क्या होता है? जैसे जो ये मैग्मा बाहर आ रहा है ना, कुछ ऐसा होता है, कुछ मैग्मा कुछ लेयर्स बन जाती हैं अंदर भी, वहाँ चला जाता है। अब सारा मैग्मा बाहर नहीं आता, ये वेंट के थ्रू यहाँ क्रेटर होता है, बाहर आता है मैग्मा, लेकिन कुछ क्रैक्स बनने की वजह से कुछ ही मैग्मा अंदर हो जाता है, रह जाते हैं, उसकी वजह से फिर वो मैग्मा कूल होके जो अंदर अर्थ के अंदर जो क्रस्ट के अंदर रॉक्स बनती हैं उन्हें बोला गया है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट,
और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स थी उसका एग्जांपल है बेसाल्ट। एक बार इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की डेफिनेशन और देखते हैं। द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अभी बताया ना, मोल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कभी कभी कूल हो जाता है वो रॉक्स जो बनती हैं वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। आपको एग्जाम्पल्स जरूर लर्न करने हैं। एक्सट्रूसिव का क्या है? बेसाल्ट रॉक। और इंट्रूसिव का कौन सा है? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? रॉक साइकिल में क्या होता है? जो हमने थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं वो एक दूसरे से बनती हैं, वही जो साइकिल है वो बोली गई है रॉक साइकिल। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है डिटेल से डिस्कस करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। क्या है रॉक साइकिल? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो प्रोसेस जिसमें रॉक्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, एक साइक्लिक मैनर के अंदर। जैसे इस फिगर से दिखाते हैं, जैसे मैग्मा है, उस मैग्मा से क्या होगा? इग्नियस रॉक्स बनेंगी। इग्नियस से क्या बनेंगे? सेडिमेंट। सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स। और इन दोनों रॉक्स से जो इग्नियस और ये हैं, इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? मेटामॉर्फिक रॉक। और इससे भी अगर इस पर भी ज़्यादा हीट और प्रेशर लगा देते हैं तो वापस मैग्मा बनता है। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, इसे बोला गया है रॉक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? रॉक्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? रॉक्स यूज़ करते हैं हम रॉड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसके बाद हम हाउसेस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ गेम्स खेलने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं, और भी हम बहुत सारी चीज़ों में हम रॉक्स का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको खुद सोचने हैं। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो रॉक से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? हमने थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स में पढ़ा था, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं जब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ना, वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। कब होती हैं? जब उन पर हाई हीट और हाई प्रेशर लगता है तो उसमें कन्वर्जन होता है। किसका? मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब ग्रेट हीट और प्रेशर लगाएंगे इनके ऊपर तो क्या बन जाएंगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी। एग्जांपल, क्ले किस में चेंज हो जाता है? स्लेट के अंदर। लाइमस्टोन किस में चेंज हो रहा है? मार्बल के अंदर। तो जो मार्बल हुआ, स्लेट हुआ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू, व्हेन ग्रेट हीट एंड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, दे चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप दिस इज क्लियर। और एग्जाम्पल अगर पूछे जाएं तो स्लेट और मार्बल है। एक्सट्रूसिव रॉक का कौन सा था? बेसाल्ट। इंट्रूसिव का ग्रेनाइट। और मेटामॉर्फिक का हमने अभी पढ़ा है, क्ले से क्या बनी थी? स्लेट। और लाइमस्टोन से मार्बल। तो ये एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक जो बचा है क्वेश्चन आंसर्स में वो है गिव रीजंस। वी कैन नॉट गो टू सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ में क्या है? बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। इवन जो रॉक है ना वो भी पिघल जाती है, वो भी मोल्टन फॉर्म में आ जाती है। तो इंसान तो क्या है? तो जो वहाँ पहुँचना इसलिए मुश्किल नहीं, नहीं नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म, क्यों है इम्पॉसिबल? क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड अवर, या वी कैन से सेंटर ऑफ अर्थ। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बन रही हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं जब जो इग्नियस रॉक्स बन चुकी हैं वो जब रॉक सेडिमेंट्स की फॉर्म में जब रोल डाउन कर रही हैं, रॉक्स गिर रही हैं, क्रैक कर रही हैं, एक दूसरे को हिट कर रही हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट रही हैं। इन छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला गया? सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं किस और डिपॉजिट हो जाते हैं किसकी हेल्प से? एजेंट्स की हेल्प से। एजेंट कौन से थे? विंड, वाटर एटसेट्रा। ये जो सेडिमेंट है ये कंप्रेस होंगे और हार्ड होंगे, उससे क्या होगा? ये एक सेडिमेंट एक दूसरे के ऊपर ऊपर गिरते जाएंगे, ऊपर ऊपर गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कंप्रेस होंगे, दबेंगे और हार्ड बन जाएंगे, रॉक्स की तरह रॉक बनाएंगे, जिसे बोला गया है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पूछा गया है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स, कैसे बन रही हैं। आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे हाई हीट और प्रेशर लगाई जाती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ऐसे ही लाइमस्टोन पर अगर हम हीट और प्रेशर लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा मार्बल में, क्योंकि मार्बल क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो हमें मिलेगी।
आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और किसी भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप वीडियोज को जरूर देखें. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.